नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं देश न्यूज। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार विधानसभा में और यहाँ पर महागठबंधन के जो भी एमएलसी के उम्मीदवार थे वो यहाँ पर पहुँचे थे और नॉमिनेशन दाखिल किया। अब वहाँ से निकलने के बाद उर्मिला ठाकुर कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। लेकिन आदरणीय जो हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, उन्होंने ही पढ़ाने का काम किया। लेट लेके स्कूल गई, मैं उसी दिन से संघर्ष की हूँ और वह संघर्ष मेरा जितना मेरी उम्र हो रही है उतना मैंने संघर्ष की हूँ। इसलिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय जो बिहार ही नहीं पूरे देश का युवा महाशक्ति के रूप में जो सबसे प्रभावशाली नेता पूरे देश का आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं अभी बिहार में बाबू तेजस्वी यादव जी और आदरणीय राबड़ी मैडम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने भी एमएलसी में नॉमिनेशन किए हैं, तो उन्होंने जो हम पर भरोसा जताए हैं, मैं हमेशा भरोसे पर खरा उतरने का काम की हूँ और यहाँ भी मैं खरा उतरने का पूरी मेरी कोशिश रही। पार्टी के लिए आपने काम किया। तो सुना आपने किस प्रकार से उर्मिला ठाकुर ने बताया है कि आने वाले समय में उनके लिए कोई खास चुनौती नहीं होने वाला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।